मैं तकरीबन 2003 से ऑनलाइन फ्री सेवर वस्ता हूँ। मैं हमेशा ऐसा काम करना चाहता था जिसकी अर्निंग मुझे 24 घंटे या इससे पहले जो है ना बुक हो जाए। एंड सबसे पहले एडसन स्टार्ट किया। एडसन पर एक माह काम करते थे, नेक्स्ट मंथ उसकी पेमेंट मिलती थी। फिर एफिलिएट पर काम किया, एफिलिएट में जो भी प्रोडक्ट सेल करते थे उसके 2 माह के बाद जो है ना पेमेंट मिलती थी। फाइनली मुझे 2012 में एक ऐसी फील्ड मिली जिससे मैं इंस्टेंट पेमेंट ले लेता था। 5 मिनट से पहले उसकी मुझे जो है ना पेमेंट मिल जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद शिराज और इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। गेस्ट पोस्टिंग, जिसे गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहा जाता है, किसी और की वेबसाइट या ब्लॉग पर आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट लिखने और पब्लिश करने को गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। गेस्ट पोस्टिंग का मकसद आपके बिजनेस सर्विस नॉलेज को न्यू ऑडियंस के साथ शेयर करना और अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक हासिल करना है। गेस्ट पोस्टिंग एक आसान अमल है जिसे मार्केटर, ब्लॉगर और बिजनेस ओनर गूगल सर्च इंजन या दूसरे सर्च इंजन में अपने रैंकिंग बेहतर करने और न्यू ऑडियंस को अपनी वेबसाइट लाने और अपने कारोबार की ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग शुरू करने के लिए आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड वेबसाइट को सर्च करना होता है, जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करें और उनकी गाइडलाइन के मुताबिक आर्टिकल लिख सकें। यह ज़रूरी है कि आप हाई क्वालिटी और यूनिक कंटेंट लिखें और उस वेबसाइट के ऑडियंस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आपका बिजनेस मज़ीद ग्रो कर सकें। अब मैं एग्जाम्पल में आपको गाइड करूँगा कि गेस्ट होस्टिंग क्या होती है। मिसाल के तौर पर lender.com एक वेबसाइट है, ठीक का काम कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट के लिए ठीक है। ये हाउसेस जो है ना सेल करते हैं, परचेज करते हैं। इनको अगर अपना होम एंड बिजनेस ग्रो करना है तो इनको बैकलिंग हासिल करने पड़ेंगे ताकि सर्च इंजन रैंकिंग में ये अपनी पोजिशन को बेहतर कर सकें। अब इसी के लिए इनको वेबसाइट फाइंड करनी पड़ेगी ताकि इनकी जो रेलिवेंसी है बिजनेस के साथ हो सके। HF में हमने इसको वेबसाइट को देखा कि एक वेबसाइट है isagreepreader.com, जिसको तकरीबन 28,000 रेफरल बैकलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके ऊपर ट्रैफिक भी जो है। अगर इस वेबसाइट से लर्नर बैकलिंक लेते हैं तो उसको बेनिफिट होगा। अब इसी वेबसाइट के अगर हम रेफरल डोमेन देख जाएँ, isagreepmedia.com, माइक्रोसॉफ्ट, wikipedia.com, क्रेडिट मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स और भी काफ़ी फेमस वेबसाइट से जैसे गार्डियन होकर से बैकलिंक जाना मिलता है। अगर ऐसी वेबसाइट से ये बैकलिंक लेते हैं तो इनके चांसेस हैं कि इनकी रैंकिंग बेहतर होगी और जो कि इस वेबसाइट पर ऑलरेडी ट्रैफिक भी है तो इनको क्लाइंट मिलने के भी चांसेस हैं। अब इस वेबसाइट के लिए आपको इनकी गाइडलाइन के मुताबिक आर्टिकल लिखना होगा ताकि आपको क्लाइंट भी जाना मिल सके और ये आपका आर्टिकल जाना पब्लिश भी जाना वो कर सकें। जैसे मैंने गाइडलाइंस को रीड किया और उसके मुताबिक ही मैंने आर्टिकल लिखा और आर्टिकल को इस वेबसाइट पर पब्लिश किया। आप देख सकते हैं कि लर्नर को स्टार्टिंग में ही जो है ना इस वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है और ये बैकलिंक इनकी वेबसाइट के होम पेज पर भी जो है ना वो शो हो रहा है। तो ये एक पावरफुल बैकलिंक है, इनसे इनको न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे, इनकी रैंकिंग जो है ना वो बेहतर होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि पोस्टिंग क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं और आप इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।